हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न के साथ टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बैटर बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 कप रवा लिया है। यहाँ पर आप सूजी को भी ग्राइंड करके ले सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप दही, यानी आप जितना रवा लेंगे उससे आधा आपको दही लेना है। चलिए अब इसमें हम मसाले डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें हम 1 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। तेल इसलिए जिससे कि हमारा नाश्ता सूखा सूखा न लगे। इसके बाद हम इसमें कुटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। मैंने 1 कप कच्चे स्वीट कॉर्न को मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लिया था। इसमें हम 2 चम्मच दरदरा पीसा हुआ स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स करेंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। यहाँ पर एक स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो गया है और अब इसे हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम एक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसमें हम 1/2 कप बॉइल कॉर्न यानी भुट्टे के दाने डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हमने सॉल्ट ऐड नहीं किया है क्योंकि सब्जियों में और प्याज में जैसे ही नमक जाता है तो उसका मॉइस्चर रिलीज होता है, इसलिए इसमें सॉल्ट हम बाद में ही ऐड करेंगे। अब ये जो बैटर हमने रेस्ट के लिए रखा था, 15 मिनट बाद ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। इसमें हम थोड़ा पानी डालकर इसे पतला कर लेते हैं। हमें बैटर को थोड़ा पतला ही रखना है। बैटर की कंसिस्टेंसी बस इस तरह की होनी चाहिए। चलिए अब हम इस बैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब हम इस थाली को अच्छे से ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेते हैं। अब हम अपने बैटर में 1 टीस्पून इनो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब तुरंत ही इसे ऑयल से ग्रीस की हुई थाली में डाल देंगे। हमें इसकी एक पतली लेयर ही रखनी है। इसी तरह से हम इसे दूसरी थाली में भी डाल लेंगे। इसे हम स्टीमर में 4 से 5 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। हमने जो स्टफिंग तैयार की थी अब उसमें हम नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें किसा हुआ चीज डाल देंगे। चीज आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। पांच मिनट बाद हमने इसे स्टीमर से निकाल लिया है। अब इस पर चारों तरफ फैलाते हुए हम ग्रीन चटनी अच्छे से लगा देंगे। ग्रीन चटनी कैसे बनानी है इसका वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमने जो स्टफिंग तैयार की थी अब वो इस पर अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए हमारी स्टफिंग तो अच्छे से लग गई है और लगने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा किसा हुआ चीज फिर से डाल देंगे।
ये देखिए इस तरह से ऊपर से हम थोड़ा सा चीज और डाल देंगे। हमने जो आधा बैटर निकाल के रखा था इसमें भी मैंने एक टीस्पून इनो डालकर अच्छे से मिला लिया है। ये सारा बैटर हम इस पर डाल देंगे। ये देखिए एक स्पून की हेल्प से हम बैटर को चारों तरफ इस तरह से फैला देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी थाली भी तैयार कर लेंगे। इनो डालने के बाद हमें प्रोसेस बहुत ही जल्दी करनी है। हमारी दोनों थालियां रेडी हो चुकी है। अब हम इसे स्टीमर में स्टीम होने के लिए रख देते हैं। अब इसे हम 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। इनमें से एक थाली पर मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स और कॉर्न स्प्रिंकल कर दिए थे। 10 मिनट के बाद हम इसे स्टीमर में से निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने इस पर जो चिली फ्लेक्स और कॉर्न स्प्रिंकल किए थे वो कितने बढ़िया लग रहे हैं। चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। इसे आप अपनी पसंद के अनुसार छोटे या बड़े कैसे भी काट सकते हैं। दिखने में तो बढ़िया है ही, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए ये कितने स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने हैं। चलिए अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे कॉर्न चीज सैंडविच ढोकला खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसे आप एक बार खाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे। तो आप भी ये चीज कॉर्न सैंडविच ढोकला बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।